आकाशवाणी मुंबई केंद्र प्रस्तुत कर रहा है घर तीनों का हो का सातवां और अंतिम भाग। मूल मराठी रंगमंचीय लेखक रत्नाकर मतकरी, हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया है राजम पिल्लई ने और प्रस्तुति है तनुजा कानड़े की। श्रोताओ, घर तीनों का हो इस नाटक के भाग छठे में आपने सुना था प्रमिला गोपाल से बेबी के साथ शादी करने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन इस शादी से बेबी सहमत नहीं है। वो अपनी माँ प्रमिला को भला बुरा कहती है, उस पर लाछन लगाती है। प्रमिला गुस्से में बेबी को मारने आती है, लेकिन वो खुद को संभालती है, खुद को दोषी ठहराती है। इसी बीच डीएन आ जाता है, वो पहले से बहुत ही दुबले और दयनीय लगते हैं। इसकी वजह से जीजी उन्हें पहचान नहीं पाती। डीएन के साथ यवतमाल में नलिनी रहती है, वो कैंसर की बीमारी से गुजर जाती है। नलिनी ने वसीयतनामा तैयार किया था, उसी के मुताबिक डीएन यवतमाल का घर बेच देता है। वो दोनों पहले से ही छपरे में रहते थे। घर बेचने से आए पैसे गहने सब कुछ नलिनी ने डीएन के नाम से किए थे, वो सब कुल मिलाकर 1,00,000 रुपए थे। 1,00,000 रुपयों का चेक प्रमिला के डहाणों की बालवाड़ी के लिए दे देता है। डीएन प्रमिला को एक दिन की बात बताता है, उनके पास एक दिन एक भी पैसा नहीं था। उस वक्त वो सीधे मेडिकल कॉलेज जाता है और अपना शरीर चीर फाड़ के लिए 25 रुपए में बेच देता है। इस बात से प्रमिला बहुत ही दुखी होती है। थोड़ी देर बाद गोपाल बेबी के लिए साड़ी ले आता है, वो देखकर प्रमिला बहुत ही दुखी हो जाती है। वो गोपाल को बेबी के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो कह नहीं सकती, उसे हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये सुनते हैं घर तीनों का हो इस नाटक का सातवां और अंतिम भाग। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी हो जी। आए है, कहाँ चली सवारी लाल दुपट्टे वाले की, बनाओ सिंगार करके। सहेली के पास, और कहा जी, कैसी दिखती है साड़ी? वाह, बहुत खूब, एकदम सिनेमा की हीरोइन सी दिखती है मेरी बेटी। पापा जैसा रहन सहन होता मेरा तो दिखी होती हीरोइन सी, लेकिन मुझे तो माँ की तरह रहना पड़ता है ना। चोटियाँ तो देखो मेरी, कभी ठीक से बनती ही नहीं। ढीली डालो तो यो इलियों की तरह मुड़ जाती है, और कसकर डालो तो एकदम गंवार फूलमती सी दिखती हूँ मैं। देखे ना, माँ ने मेरे बालों की ठीक सार संभाल ही नहीं की। बालों की क्या बिटिया, तुझे ही कहाँ ठीक संवार कर रखा है उसने। जीजी, मैंने पहले माँ को हार्ट अटैक आया ना, तब से लगातार मेरे मन में क्या विचार आते रहते हैं पता है? क्या आता है भला? नहीं, जाने दो, बोलूंगी तो कहेंगे आप कि मैं अशुभ बात मुंह से निकालती हूँ। अरे बोल बोल, मन में कुछ भी दबाकर छिपाकर नहीं रखना चाहिए। डॉक्टर ने आगाह किया है ना, तो फिर जो कुछ भी बोलना है बस बोल ही डाल झटपट। ऐसा ख्याल आता है जीजी कि अब तक तो माँ मेरी देखभाल करती है, मुझे संभालती है, लेकिन वो चली गई तो फिर बाद में मुझे कौन देखेगा? संभल के चलिए प्रमिला जी, धीरे धीरे आ जाइए। हाँ डॉक्टर। चलिए, मैं इतने में नहीं जाऊंगी बेबी, तो बिल्कुल बेफिक्र रहे, अभी तो कहीं मेरी पहली घंटी बची है और 2-3 घंटी बजने तक मैं पढ़ाकू विद्यार्थी की तरह, जैसे वो पेपर लिखता रहता है ना, वैसे ही अपना काम करती रहूंगी। पता है मुझे, मैं जरा वसुधा के पास जाकर आती हूँ। आती हूँ। प्रमिला, मैं भी अभी आई, एक चीज दिखानी है तुझे, वो लेकर आती हूँ अभी। ठीक है, बैठ। सुना ना डॉक्टर, अभी बेबी क्या कह रही थी वो? डॉक्टर, आप और वो हार्ट स्पेशलिस्ट दोनों ही कहते हैं कि चिंता की कोई वजह नहीं है।
मेरी तबीयत ठीक है। ऑफ कोर्स ठीक है। उसी के जोर पर मैं भी बेबी को झूठी तसल्ली देती रहती हूँ, लेकिन लेकिन चिंता मेरे मन को खाए जाती है। किस बात की? डॉक्टर, बाल शिक्षा की मुहिम अब सही रास्ते पर चल पड़ी है। जगह जगह पर मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली के स्कूल चल पड़े हैं। टहाणू की आदिवासी बालवाड़ी के लिए कार्यकर्ता बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं अचानक आज ही दुनिया से अगर उठ जाऊं तो भी मेरा काम रुकेगा नहीं। कैसी बातें करती है प्रमिला जी। लेकिन हमारी इस बावली बच्चिया का मेरे पीछे कैसे क्या होगा जी? ये चिंता इस समय करने की जरूरत है क्या प्रमिला जी? नहीं, कैसे, आपको कुछ बातें बता रखती हूँ डॉक्टर। बताइए। मैंने अब तक कौड़ी कौड़ी जमा करके करीब 25,000 रुपए एक तरफ रखे हैं। हम दोनों के नाम से अकाउंट खोलकर, यानी मेरे बाद वो बेबी को ही मिलेंगे जी। लेकिन पैसे भर से सारे सवाल कहाँ सुलझते हैं? उस बेचारी की शादी हो पाती है या नहीं, और वो घर संसार चला पाती है या नहीं, यही देखना है। मैं जब तक हूं तब तक, मैं चली गई तो डॉक्टर मेरे पीछे आप ही। प्रमिला जी, ये मुझसे कहने की जरूरत है क्या आपको? मुझे एक बार लगा था कि वो खुद ही चले आए हैं, तो मैं उन्हें रोक लूं, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश करना यानी हवा को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करने जैसा है। किस्मत देखो लड़की की, बाप होकर भी नहीं के बराबर, और माँ यूं नाकाम असफल। अरे नाकाम असफल क्यों कहती हैं अपने आप को? इतने वर्षों में आपके हाथों बड़ा भारी शिक्षा का कार्य हुआ है। शुरू शुरू में विरोध करने वाले समाज ने भी उसे अब विधिवत मान्यता दे डाली है। हाँ, वो सफलता समाज कार्य करने वाली औरत की है डॉक्टर, माँ की नहीं। बीबी की जिंदगी सीधी पटरी पर आ जाएगी, तब कहीं उसकी माँ को थोड़ी बहुत सफलता मिलेगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा प्रमिला जी। लेकिन पहले आप ये आखिरी इच्छा व्यवस्था जैसी भाषा बोलना छोड़ दीजिए। चीयर अप, मुस्कुराइए ना। हाँ अच्छा, तो मैं चलूं? नहीं नहीं, आप बैठे रहिए, मैं चलता हूँ। डॉक्टर जी जरा रुकिए। कहिए। एक मिनट, मेरी ये नई किताब कल ही आई है। अच्छा। दी कि नहीं आपके खरीदने से पहले? हार मान गया प्रमिला जी, आदिवासियों के अंतरंग में। ऑटोग्राफ दीजिए ना। करके रखा है। पुकार पर दौड़कर आने वाले मित्र को बेकार ही इतना गौरव दिया, दिल को छू जाए ऐसी बात कह दी आपने। अच्छा मैं चलता हूँ। वो प्रमिला, प्रमिला। हाँ जी जी, क्या बात है? ये देख, ये तुझे दिखाना था। जी जी, ये कैसे आया आपके पास? कल पर्स में से गिरा था बेबी के। क्या? इसीलिए तो तुझे दिखाया है,
क्या है ये? चीची, हाँ, ये गोलियां हैं। बच्चे ना हो, हाँ, इसके लिए लोग लेते हैं। अरे दैया, यानी ये, हाय राम, प्रमिला, प्रमिला, क्या हो गया तुझे? शांत हो जा। अरे यूं टूट जाओगी तो कैसे चलेगा? आपकी आएगी तो जोर से फटकार कर पूछना उससे, कहना ये क्या धंधे चला रखे हैं? माँ ने इतना ज्यादा नाम कमाया है, उस पर क्या समूचा कालिक ही पोतने का तय कर लिया है तूने? ए प्रमिला, जरा कुछ बोल देगी तो पागलपन के दौरे पड़ेंगे, इस डर से तू चुप है? लेकिन अब की बार बोले बगैर मत रहना, होती है पागल तो हो जाने दे। सयानी रहकर यहाँ वहाँ मुंह मारती घूमे, राम 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 गोबर खाती घूमे, उससे तो बेहतर है पगली होकर घर में पड़ी रहे। नहीं जीजी, ऐसी क्रूरता से सोचकर व्यवहार नहीं किया जा सकता, हमें उसे समझ लेना होगा। अब समझने को क्या रखा है? वो सही कह रही है, ऐसा मैं कतई नहीं कहूंगी जीजी। जो हो रहा है वो भयानक है, मुझे भी उससे गहरी चोट पहुंची है, लेकिन सोचे तो जरा। क्या सोचूं? आपने जन्म भर मन पर संयम रखा, मैंने मन पर संयम रखा, लेकिन बेबी उतनी संयमी नहीं है। उसमें गुण आए हैं अपने पिता के, उसका झुकाव है मौज मस्ती की तरफ, प्रलोभन को मोह को रोकने की आदत खूनी में नहीं है, इसलिए आज उसके कदम गलत राह पर पड़ गए हैं। चलो कुल मिलाकर कदम गलत पड़े हैं, इतना तो कबूल करती है तू? 100% ही कबूल करती हूँ जीजी। उसकी गलती पर मैं पर्दा नहीं डाल रही हूँ, लेकिन गलती अगर सुधारनी है तो हुई क्यों, इस पर पहले विचार करना होगा। क्यों हुई, बता भला। जीजी, बेबी बीमारी की वजह से लोगों में, खासकर हमजोलियों में मिलने जुलने से कतराती है, बस अकेली बैठी रहती है, सपने देखती है, वो भी शादी के, घर गृहस्थी के, बाल बच्चों के, रंग रंगीले रसीले सपने। और जो जिंदगी जीती है वो रूखी सूखी निपट अकेली, इस बंजर जिंदगी में उसे बस एक ही सहारा है, और वो है उसका अपना शरीर। सो फिर वो उस शरीर से ही सुख पाने की कोशिश करती रहती है। और तू क्या करेगी? जो चल रहा है उसे वैसे ही चलते रहने देगी क्या? चलते रहने कैसे दूंगी, लेकिन ये भी निश्चित है कि गुस्से में आपे से बाहर नहीं हो जाऊंगी। उससे पहले पूछूंगी कौन है वो, शादी के लिए तैयार है क्या? शायद शायद इससे भी उसका मन चाहा कुछ हो जाए, मेरी बेटी सुखी हो जाए। क्या बस, तू मुझे क्यों अच्छा लगता है बताओ? हमारे पापा जवानी में एकदम तेरी तरह दिखते थे, मेरे पास फोटो है उनकी, तू घर आएगा ना तब दिखाऊंगी मैं तुझे। अब बता हम शादी कब करेंगे? शादी? और तुमसे? कमाल है। अरे मैड रानी, तूने भला यह सोचा भी कैसे कि मैं तुझसे शादी करूंगा? फिर हम ये सब करते हैं वो? उसके लिए शादी की क्या गरज है? शादी के बगैर ही मैं वो तुझे वह सब कुछ देने को तैयार हूँ, ठेठ जन्म भर। लेकिन मुझे तो शादी करनी है, मुझे तो घर परिवार चाहिए, बच्चे चाहिए। बच्चे किस लिए? वे भी तेरे ही जैसे निकल गए तो? यानी पागल? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। डॉक्टर ने भी कहा कि मैं पागल नहीं हूँ। अरे डॉक्टर ने तो कहा है कि मैं शादी के बाद पूरी पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी। वाह, ऐसी बात है, तो फिर जरूर कर शादी, लेकिन अपने ही जैसे किसी से कर। कुछ देर पहले बता रही थी ना कौन है वो, हाँ गोपाल,
उस गोपाल के साथ कर ले। बॉडम है, बता रही थी ना तू, एक्सीलेंट, यानी फिर वह हमारे मौज मजे की राह में रुकावट नहीं बनेगा। तूने मुझे समझ क्या रखा है? उससे शादी न करके मेरा गलत फायदा उठाने की सोच रहा है तू? तू क्या समझता है, ये पगली है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगी, यही ना? अरे मैं तेरी हत्या कर डालूंगी, बदमाश, मैं तेरी जान ले लूंगी। शांत हो जा बेबी, शांत, नहीं तो अभी यही तुझे पागलपन के दौरे पड़ने लगेंगे। मैं चीख चीख कर कहूंगी सबसे कि इसने मुझे धोखा दिया, ये बदमाश है, पाजी है। देख, मैं तेरी बेइज्जती करवा कर रहूंगी। उसमें तेरी ही इज्जत खाक में मिल जाएगी। बेहतर होगा तू अब घर जा, दिमाग हो जाए जब ठंडा तो फिर आना। बाय। कहाँ गई थी बेबी तू? चीची, उसे जरा सांस तो लेने दे। देख प्रमिला, थोड़ी देर के लिए अपने प्रेम को परे रख दे। बेबी, किस सहेली के पास गई थी तू? चीची, आप तो उसे घबराहट में डाल रही हैं। बेबी बैठ, बैठ जाए यहाँ पर, मुझे पता सब कुछ। मैं तुझ पर नाराज नहीं होंगी, लेकिन सब कुछ सच सच बता दे, तो किसके पास जाती है बेटी? वो सब कुछ खत्म हो गया माँ, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा क्यों कहती है मेरी रानी? मुझे रानी मत बुला माँ, मैं पगली हूँ। नहीं बेटी, वो कहते हैं, ये सारी दुनिया कहती है मैं पगली हूँ, मैं कभी शादी नहीं कर पाऊंगी माँ, कभी शादी नहीं कर पाऊंगी, मैं घर नहीं बसा पाऊंगी माँ, घर नहीं बसा पाऊंगी, मोर पंखी रेशमी साड़ी कभी पहन नहीं पाऊंगी माँ, मैं कभी पहन नहीं पाऊंगी, मैं पूरी पूरी पागल हो जाऊंगी माँ, पूरी। अस्पतालों में इन्होंने बुढ़े दांत कीड़े पागलों के बीच जीती सर्दी पड़ी रहूंगी माँ मैं। ऐसा क्यों कहती है बेबी? ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ माँ, तेरी। तूने मुझे पापा से तोड़कर अलग कर दिया, इसलिए मैं पागल हो गई, इसलिए मैं घर गृहस्थी से वंचित रह गई। सब कुछ तेरी वजह से हुआ माँ, तेरी वजह से। दीदी, गोपाल, मेरे यवतमाल वाले मामा बुरी खबर लेकर आए हैं। दीदी, डीएन गुजर गए एक हफ्ता पहले। लोगों को पता चला अभी दो दिन पहले। क्या? पखवाड़े पहले ही छपरा बेचकर किसी के गैराज में रहने के लिए चले गए थे। वो आदमी गांव गया हुआ था, जब वो वापस लौटा तब वहां सिर्फ लाश ही मिली। शरीर मेडिकल कॉलेज को देने का कबूल किया था उन्होंने? दीदी, वो तो हो ही नहीं सकता। क्यों? आप सुन नहीं पाएंगे, सारे सत्य पचा सकने की ताकत पैदा की है मैंने, फिर वो सत्य कितना ही घिनौना क्यों ना हो, मुझसे कुछ मत छिपाओ। दीदी, वो अहम कब गुजरे पता नहीं, लेकिन गैरेज खोला तब पूरा शरीर सड़ चुका था। नहीं नहीं, उनके कुत्ते ने शायद भूख बर्दाश्त न हो पाने की वजह से उनके शरीर के मांस को जगह जगह से काट खाया। अब सुना नहीं जाता, आखिरकार उनके बारे में जितना भी बुरा सुनना संभव था उतना सुन लिया। एक एक चीज दूसरों को देते देते आखिरकार वो जैसा चाहते थे वैसे आसाद हो गए, मुक्त हो गए। अब एक बार ये बात बेबी को बता दूं तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी।
बेबी, बेबी, बेबी उठ, सुन, सुन, बेबी सुन मैं क्या कह रही हूँ। अब सिर्फ माँ है तेरे पास। बेबी, अब तो तू मुझे अपना मान ले, अपने पापा के मोहपाश को तोड़कर माँ के साथ आ जा। तेरी माँ के लिए अब तेरे सिवाय दूसरा है ही कौन? बेबी, बेबी, बेबी सुन रही है ना तू? अब हम दोनों ही हैं, सिर्फ एक दूसरे के लिए। बेबी, 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 बेबी। ये पोतल? जी जी, शंकर, क्या जल्दी आओ। क्या हुआ? ये देखो मेरी बच्ची ने क्या कर लिया। लगता है नींद की गोलियां खा ली बेबी ने। क्या? हाँ, बेबी। बेबी, आखिर तूने अपना मन चाहा ही किया, अपने पापा के साथ चली गई, मुझे अकेला छोड़कर। मैंने तुझ पर कितना प्रेम किया, इसे कभी भी तू समझ नहीं पाई। बेबी, बेबी, और अब हमेशा के लिए मुझे हरा कर, मुझे नकारा बना कर चली गई तू, चली गई तू। बेबी, बेबी। हेलो जी, मैं गोपाल बोल रहा हूँ। हाँ, समझ गया मैं। क्या उन्हें सरकार ने पद्मभूषण दिया है? बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए जी राष्ट्रीय स्तर पर उनका सम्मान किया जाएगा? ठीक है, ठीक है, मैं बता दूंगा। सरकारी तौर पर सूचना आती रहेगी। जी हाँ, निश्चित ही उन्हें बड़ी खुशी होगी। हाँ, गर्व किया जा सके ऐसा ही उज्जवल भव्य यश मिला है उन्हें। सचमुच धन्य है वे, ये कोई मामूली सफलता नहीं है। जी दीदी, दीदी, आपको पद्मभूषण दिया है सरकार ने। दीदी, एक थी मैना की थी मुन्नी, मुन्नी को बिली अधन्नी, वो कई बाजार ले आई सब्जी चार, माँ माँ धो कैसे, धो धो धो। अभी आप सुन रहे थे घर तीनों का हो, इस नाटक का सातवां और अंतिम भाग। मूल मराठी रंगमंच लेखक रत्नाकर मतकरी, हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया था राजम पिल्ले ने। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका अनुसार पात्र परिचय इस प्रकार है। प्रमिला मंजू भाटिया, जीजी शीला शुक्ल, डी एन जयरूप जीवन, बेबी भारती कानड़े,
डॉक्टर महेश शर्मा, शंकर अमर कक्कड़, गोपाल भूपेंद्र सिंह और युवक राजीव रंजन वर्मा, निर्देशक शिवदास घोड़के, निर्माण सहयोग मेधा पिल्ले। इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थी तनुजा कानड़े। ये नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।